हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन निधि। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, एकदम यूनिक नाश्ते की रेसिपी। तो अगर आपके घर में रोटी बच गई तो आप इस तरीके से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रोटी का क्रिस्पी नाश्ता बनाने के लिए हमने 4 रोटी ले ली हैं। धनिया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बेसन, प्याज, सभी चीज़ों को हमने ले लिया है। तो रोटी को हम इस तरीके से एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के पट्टियों में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने चाकू से कट कर लिया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 2 पार्ट में हमने इसको कट कर लिया है। तो सभी रोटियों को इसी तरीके से हम पहले तैयार कर लेंगे। देखिए काट कर हमने इसको तैयार कर लिया है। तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन डालकर इसका एक बैटर बनाएंगे। उसमें ड्राई मसालों में हल्दी, नमक और मिर्च सभी चीज़ों को डालेंगे। जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका एक बैटर बना लिया है। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए बैटर बनकर रेडी हो गया है और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और रोटी के टुकड़ों को इस तरीके से इसमें डिप करेंगे और एक एक करके इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए ऑयल में अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। सभी को इसी तरीके से फ्राई हमने कर लिया। तो चलिए इन्हें थोड़ा और यम्मी बनाने के लिए हमने एक पैन को गैस पर रखा है, बिल्कुल चाउमीन स्टाइल का बनाएंगे। थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, इसमें लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे थोड़ा क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। एक हरी मिर्च को हमने फाड़ कर डाला है। तो देखिए शिमला मिर्च को भी इसमें डाल देंगे, थोड़ा क्रंच इसमें आएगा तो ये बहुत ही यम्मी लगेगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें तीनों सॉसेज डाल देंगे, तो विनेगर भी डालेंगे, सॉस डाल दिए, सोया सॉस डालिए, सभी चीज़ों को फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें यही रोटी का नाश्ता डाल देंगे। तो आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और चिली फ्लेक्स, नमक डाल देंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया। धनिया डालेंगे और सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपके घर पर अगर रोटी बच गई है तो आप इस तरीके से बनाकर खिलाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। मेहमानों को भी खिलाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये रोटी का नाश्ता है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप लोग भी बनाइए, बच्चों को दीजिए तो बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप लोगों को हमारी ये रोटी के नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।